मोदी 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 योगी योगी योगी। ऐसी बात क्या हो गई, इतना खुश हो आप? हम खूब खुश है, नाम दे रहो, नाम दे रहो, मकान बना रहो, जनता दे रहो, पैसा दे रहो, फला रहो, सब कर रहो है, सब कर रहो। जनता जनता नमक खान सुनी नमक खा के आराम कर रही है अब। हाँ, ना कांग्रेस न दियो, ना बीजेपी दियो, ना काम दियो, बीजेपी दियो बाहर खाना में वो मोदी ने ना मायावती ने चालू करवा कोई ना है, हाथी बना के चाली। अच्छा मैं ये बताओ, मायावती तो बहन जी है आपकी? कौन की बहन जी है? बहन जी मैं भी हूँ, औरत मैं भी हूँ, औरत भी मैं भी हूँ, औरत मैं भी हूँ, औरत। जहाँ जगह भगवान है, जहाँ जगह सब चीज है हमारे पास, सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण है यहाँ पे हमें हमें। कृष्ण भगवान को सही से नहीं रखा जा रहा है? क्यों नहीं रखा जा रहा, रख गए किसी की जनता, रख गए सरकार, रख गए सरकार। अब तो सरकार भी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा वासी नहीं कह रही, अब ये समय बताएगा, समय बताएगा। अम्मा अम्मा का आशीर्वाद क्या है? ये मैं मथुरा की बेटी हूँ, मथुरा में पैदा हुई, मथुरा में मर जाऊंगी। हाँ, क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, यस सर। क्या करते हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ। यस सर। तो आज के मार्ट में, आज मार्ट में योगी जी आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस करे, वैसे हम गए तो नहीं है वहाँ पे, पर अच्छी बात है, वो हमारे मार्ट का कुछ कल्याण ही करके जाएंगे। क्यों? कुछ अच्छा ही करके जाएंगे हमारे लोगों के लिए मार्ट के। उनके ऊपर इतना भरोसा क्यों है कि अगर वो आए हैं तो अच्छा ही करेंगे? ऐसी बात नहीं कि अच्छा ही करेंगे या गलत ही करेंगे, उसमें कोई फर्क हो, लेकिन अंकल जी आए हैं तो अच्छा ही जरूर करेंगे, अच्छा ही करेंगे। लेकिन एक आप ग्रेजुएशन में है, अगर ऐसे देखते हैं युवा के तौर पर, कैसे देखते हैं कि भाई वाकई में योगी ने कुछ किया है, क्या किया है? मेरे को लेट हो रहा है, पर इतना मैं जानती नहीं हूँ, फिर भी योगी जी ने बहुत हमारे सरकार के लिए किया, हम लोगों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, जहाँ तक देखा जाएगा लोग योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत किया है। महिला सुरक्षा के ऊपर एक टिप्पणी बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल बहुत खड़े होते थे पहले कि लड़की अगर घर से बाहर जाएगी इतने बजे घर पे लौटनी चाहिए, कोई साथ जाना चाहिए, बहुत सारी चिंता घर वालों की रहती थी। रहती थी, पर अब नहीं है, क्योंकि अब हमारी पुलिस फोर्स ही इतना तैनात हो गई कि हर कॉलेज में जाके महिला सशक्तिकरण के बारे में बता रहे, अपना नंबर दे रहे हैं, योगी जी के बारे में हेल्पलाइन नंबर चाहिए लड़कियों के लिए, चाइल्ड के लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए अलग अलग फैसिलिटीज है। आपको अब घर से निकलने में डर लगता है, कहीं आने जाने में डर लगता है? पहला लगता था, पर अब नहीं लगता, अब हम अपनी पुलिस को सैल्यूट करते हैं, अब हम अपनी पुलिस को सैल्यूट करते हैं। जो यहाँ पे पहले सुरक्षा नहीं थी, अब सुरक्षा है। हम रात को 1 बजे भी अपने घर जा सकते हैं, पहले हम रात को 8 बजे जाने में घर पर डरते थे, अब हमको वो महसूस नहीं है कि रात के 8 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, हम रात को अपने घर पे किसी भी टाइम जा सकते हैं। योगी सरकार में सबसे बड़ा फायदा ये है, गुंडाराज खत्म है, गुंडाराज बिल्कुल खत्म है। क्या इससे पहले गुंडाराज ज्यादा था? इससे पहले बहुत ज्यादा था, अब पहले किसान मंडी को जाता था तो अपना जो चीज हम लाते थे, पैसे लाते थे, तो वो रास्ते में लूट लिए जाते थे, लेकिन अब 12 बजे जा सकते हैं, 1 बजे 2 बजे रात को कभी भी आ सकते हैं। अखिलेश सरकार में ठीक है, जितना गुंडा राज था वो सब योगी सरकार में खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। योगी ने कौन सा डंडा चलाया कि सब गुंडा बदमाश दाएं बाएं हो गए? योगी एक बात बताओ, सपा सरकार जानते नहीं भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ गोली चलवाई, भगवान मंदिर में जाएंगे हम, राम मंदिर का वनवास करेंगे, कोई भी राम मंदिर का वनवास करे, जो भी वहाँ बनवा दियो है, राम मंदिर आज तक कोई वनवास करे, राम मंदिर है, पूरे देश की जनता योगी मोदी के संग है। अरे योगी बाबा ने ही मंदिर का निर्माण किया, नहीं सकता कोई करा नहीं सकता, योगी बाबा, योगी बाबा। दादा एक बात, योगी जी के कार्यकाल और उनकी सरकार की सराहना करता हूँ। सही बात है, अब काऊ का भैंस पड्डा खोल लो, पहले भैंस पड्डा नहीं खोले जाते है गुंडा, अब सरकार जब से सरकार आएगा गुंडा सारे ऊपर गए, पड़ गए, पहले दलाली बहुत चलती थी, जो की महंगाई है, पेट्रोल है 2000 रुपया लीटर, वोट देंगे हम बोलती है, पेट्रोल है 2000 रुपया लीटर। और सुनो एक चीज और पूछ लो, मैं जो कह रहे हैं किसान 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 कौन सा मर रहा है मांडिया बताओ, मैं अगर एक ओरिजिनल किसान हो मांडिया है, सब सब आतंकवादी है, किसान के बारे में बात नहीं करोगे, नहीं किसान के बारे में बात नहीं करोगे, डिबेट करो डिबेट करो डिबेट करो, किसान के बारे में डिबेट करो, हमारा हमारा भाजपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भाजपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
किसान को गाली दे दोगे, आप कौन हो जो किसान को गाली दे दोगे? क्या वाकई में दिल्ली में एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली में 26 जनवरी पे हिंसा करने वाला किसान था? नहीं, मैं बोलूँगा, बोलने दो, कहाँ पे थे, कहाँ पे किसान नहीं थे, कहाँ नहीं किसान थे? जनवरी पे कौन था? 26 जनवरी पर वो तो भाजपा के लोग थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे वो, सारे लोग खालिस्तानी थे, पंजाबी थे वो। क्या लखीमपुर, क्या लखीमपुर खीरी में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाला कौन था? कहाँ से जा किसानों को रोना गया, वो कौन था? किसान भड़काए गए थे, किसान नहीं थे वो आतंकवादी थे। आतंकवादियों की मोदी जी ने क्यों बात मानी? क्यों बिल वापस लिए? फिर किसानों की बात क्यों मानी? किसान नहीं थे? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिल वापिस वो इसलिए लिए गए थे, उससे किसान संतुष्ट नहीं थे। सुनिए, किसान संतुष्ट नहीं था। क्यों? अगर वो खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, तो उनकी बात क्यों मानी गई? मैं बताता हूँ, क्यों मोदी जी ने बात मानी? किसानों की भैया क्या बोल रहे थे? 26 जनवरी पे हिंसा करने वाले मानी थी, किसानों की बात मानी थी, आतंकवादियों की बात नहीं मानी। नहीं, वो आतंकवादी मोदी जिंदाबाद। वो विपक्ष पार्टी वाले थे, विपक्ष पार्टी लगा रखे हैं, पैसे देकर नहीं है वो, किसान नहीं थे, वो पैसे लेके 500 रुपए वाले थे, औरत खड़ी कर राखी का वो 500 रुपए मारी, साइड वहाँ रास्ता घेर के राखी। क्या किसान बिरयानी बना रहे थे वहाँ? क्या किसान बिरयानी नहीं खा सकता? यही खा सकते हैं? क्या किसान को बिरयानी बनाने का हक नहीं है? वो 150 रुपया वाले, वो किसान 150 रुपया में गए थे वो बंदे, किसान नहीं थे वो। क्या वाकई में किसान भाजपा के साथ है? हाँ, किसान भाजपा के साथ है। बिल वापस ले लिए, सरकार झुक गई, फिर विरोध क्यों? योगी बाबा जिंदाबाद। हम विरोध कर रहे हैं, आप तो खालिस्तानी थे, वो तो कांग्रेस ने लगा रखे थे अपने, वो तो कांग्रेस ने लगा रखे थे असली चोर। चोर बोलो, सुनो भैया, सुनो, योगी भैया ये बहुत अच्छा किया, उनका बहुत तेज दिल से स्वागत है, पर आंगनवाड़ी इनके लिए भी कुछ करके गए, बुलाई तो है यहाँ, उन लोगों ने हमें यहाँ बुला के सिर्फ भीड़ इकट्ठी की है और हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आपको नहीं बुलाया होगा? किसी बुलाया था, बुलाया लेकर के आए थे यहाँ पे आप? हम भी यही लेके आए थे, शायद वो हमारे लिए भी 2 शब्द कहेंगे या हमारे लिए भी कुछ करके जाएंगे। आंगनवाड़ी ने कहा जो करेंगे वो तो तकलीफ क्या है वहाँ पे? तकलीफ क्या थी आपको? बुलाई गई थी आपको? तकलीफ थी नहीं तो आपको तो सबको बुला गया वो तो। ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, महिला होने के नाते अगर आपसे महिला सुरक्षा की बात की जाए तो पहले की सुरक्षा दृष्टि से सरकार में और अभी की सुरक्षा दृष्टि सरकार में क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। पहले तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी वगैरह वगैरह होता, निकलने भी नहीं देते थे, लेकिन अब बोल बाइज्जत प्रवेश किया गया है, बहुत अच्छा है। जैसे रात को आप 1 मिनट माँ जी, जैसे रात को आप 10 बजे जाते हो, पहले जा सकते थे? नहीं जा सकते थे ना? अच्छा, अभी अच्छा है ना पहले से? आपसे बात करें, अगर हमारे लिए भी कुछ करें, आंगनवाड़ियों के लिए ये अब को जा रही है दस बजे काम में, तो बताते हो चोरी होती थी पहले, अब चोरी नहीं। हम उनको बार बार चाहते हैं, हम योगी को बार बार चाहते हैं, बार बार चाहते हैं। फिर क्यों चाहते हो जरा ये बताओ, क्या योगी को क्यों चाहते हो? नहीं, योगी को चाहते, उसने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या? आंगनवाड़ियों को उसने योग
यशोदा माँ का दर्जा दिया। आंगनवाड़ी बहनों को, आंगनवाड़ी बहनों को मोदी भाई ने और योगी भाई ने यशोदा माँ का दर्जा दिया है। हमारे लिए इतना सब कुछ है, इतना बहुत है। इतना सोचा है तो वो आगे भी कुछ सोचेंगे। इतना सारा जिम्मेदारी हमारे लिए दे रखी है। बीएलओ का काम है, आंगनवाड़ी का पूरा काम है, वैक्सीनेशन का काम है, वो सारा काम हमको सौंप रहे हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब काम करा के ऐसे ही किसी को छोड़ देंगे। अब ये बताइए आपको यशोदा माँ का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आप योगी को फिर किसका अवतार मानते हैं या फिर किस रूप में देखते हैं? भाई के रूप में देखते हैं। भाई को कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे? भाई को हम तो ये चाहेंगे कि विजयी हो और भी तरक्की करे और बहुत करे, हमारे लिए भी कुछ हो और उनके लिए भी, मतलब जनता जनार्दन उनके लिए भी बीजेपी सरकार लाने का दोबारा प्रयास करे। अगर प्रियंका गांधी कहती हैं कि महिला या लड़की सुरक्षित नहीं है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किसके लिए लड़ना चाहती है? वाड्रा सर के लिए लड़ना चाहती है वो। आप पीछे से बात करती हैं। नहीं, वो वाड्रा सर के लिए लड़ना चाहती होंगी, अपने पति के लिए। अपने पति के लिए और क्या, समाज के लिए, लड़की है, महिलाओं के लिए। काला और कुछ काला करवा देंगी वो। गांधी परिवार की तो देने जे हिंदुस्तान के दो पार्ट कर दे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। योगी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सिर्फ तो मन था कि एक सेल्फी हो जाए भाई के साथ, पर वो भीड़ के कारण ना हो पाई, पर उनके दर्शन हो गए, वो भी बहुत कुछ है। अगर आपकी व्यक्तिगत मुलाकात सीएम साहब से होती है तो आप उनसे क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपनी जनता के लिए अपील करेंगे और हमारे भारत को मतलब स्वच्छ, और जो मतलब आजकल स्वच्छ बनाया और मतलब स्वतंत्र बनाया है, सबसे पहले मैंने लड़कियों को स्वतंत्र बनाया है। लड़कियों के लिए जो उन्होंने मतलब स्वच्छ दी है, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और मेन चीज जो हमारी आंगनबाड़ी बहन है, थोड़ा उनकी तरफ और देखें, उनकी तरफ बात करेंगे। हाँ, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन महिलाएं भाई योगी राज के 2017 के बाद आज़ाद हुई हैं। उन्होंने तब समझाया कि हम भी आज़ाद हैं। और योगी सरकार से हमें उम्मीद थी, योगी जी आएंगे और कुछ हमारे लिए करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, केवल काम के बारे में बोला। हम क्वारंटीन में, कोरोना में 24 घंटे ड्यूटी की है। केवल आप अपने लिए मांग की उम्मीद करने आई थी या फिर कुछ समाज के लिए क्या मांग की? नहीं नहीं, समाज के लिए भी करने आए हैं। समाज के लिए तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, देखो बिजली विभाग में भी अच्छा चल रहा है, वैक्सीनेशन फ्री दिया है पब्लिक को। लेकिन योगी जी बेचारे क्या करें, ऊपर से नीचे तक देखते नहीं है, तो कुछ लोग कर्मचारी भी गद्दारी कर देते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ लोग नीचे वाले गद्दारी करते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। और हम छोटे लोग हैं जो ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हमें न मान सम्मान मिलता है, ना ही इतना पैसा मिलता है, इस पर ध्यान दिया जाए जी। लेकिन पिछली सरकार की बात करें और अभी की बात करें, आप आगे आइए थोड़ा सा, क्या अंतर देखते हैं? अंतर तो हमें तो कुछ ना दिख रहा, हमें तो ऐसे ही डाले रखे हो मोदी सरकार ने। जब तो उम्मीद थी कि जब तो बोलते थे कि मोदी सरकार और केंद्र में और राज्य में दोनों एक ही सरकार होंगी तब कुछ होगा। हाँ, पर इतना है कि पहले से बहुत बेहतर है, लाइट की पानी की कोई दिक्कत नहीं है, और पहले नहीं है आ रहा। पर मानते नहीं है, बिजली बिल भरे कहाँ से? जब मानदेय बेहतर नहीं है तो बिजली बिल कहाँ से भरेंगे? लाइट तो आ रही है 24 घंटे से मिल रही है, हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। हम सरकार नहीं, एक बात बताओ, बढ़ाई किसकी करें? हम तो 14 साल से भूखे मर रहे हैं। जितना योगी जी ने हमको काम दे रखा है, वैक्सीनेशन है, बीएलओ का है, आंगनवाड़ी केंद्रों का है, स्कूलों का है, प्री प्राइमरी भी जोड़ दी अभी तो, उसके हिसाब से हमको वेतन। श्रीकांत शर्मा ने भी ध्यान देना दिया, तो श्रीकांत शर्मा की बुराई न करें। बड़ी बात ये है कि बार बार सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर के आए, घर घर में हमने राशन पहुंचाया, हमने क्या मान सम्मान किया सरकार ने? महिला घर घर घूम रही है, दरवाजे पे जाके सर्वे कर रही है, कुछ मिल भी रहा, क्या सम्मान है महिलाओं? ठीक है, सिलेंडर दे दिया, पहले 300-350 में सिलेंडर भरा जाता था, अब 1000 का, 950 का है, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, क्या बचत कर दिया भाई? हमारे तो ईंधन कंडे ही बहुत ठीक थे, हमारे तो ईंधन कंडे ही ठीक थे पहले से, सब्सिडी पहले सब्सिडी मिलती थी 300 रुपए में। सुरक्षा को लेकर के पहले जैसा ही माहौल नहीं, महिला सुरक्षा ठीक है, अब आधी रात कहीं भी जा सकती है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सरकार से हमें कोई ऐतराज नहीं, सरकार यही आनी चाहिए और आएगी, ऐसी बात नहीं है, भरोसा भी है, दिल से भरोसा है, उम्मीद भी है, उम्मीद भी है।
अपनी भी उम्मीद रखते हैं। सरकार भी तो कुछ सोचे, सरकार भी तो कुछ सोचे जैसा हम सोच रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत मुलाकात योगी जी से होती है तो क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे, सरकार फिर से आए योगी जी की, पर थोड़ा सा सारी जनता माओ थोड़ा थोड़ा सोचे, सबकी तरफ ध्यान दे, ऐसी बात नहीं सिर्फ मतलब मानदेय बहुत कम है।